नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहले ही स्टार मार्क यहां पे लगा दे रहा हूं वार्निंग का कि छोटे छोटे शेयर हैं, तो इन्वेस्टमेंट खुद का डिसीजन लेके और पहले सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो एक एक शेयर उठाते रहिए। करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का यहाँ पे 37 का है और टारगेट आने वाले भविष्य में 500 रुपये के भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक भी है तो बेचना मत और 2025 तक आराम से यहाँ पे लखपति बना जा सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जो पहली कंपनी है, छोटी सी कंपनी, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर के पास 62% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 36% से ज़्यादा और FII के पास देख सकते हैं 1.57। और FII ने इस छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी एक बात है। और DII के पास कोई भी यहाँ पे शेयर नहीं है। कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखें, उससे पहले बता देता हूँ एक फाइनेंशियल कंपनी है ये। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल रिलेटेड ये कंपनी है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे 2019 में 308 करोड़ रुपए की टोटल यहाँ पे सेल्स हुई थी और 2020 में 306 करोड़ रुपए की। और पिछले 3 से 4 सालों में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ नहीं है कंपनी में। उसके बावजूद कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 में 125 करोड़ का था, 2019 में डिक्रीज़ हुआ, लेकिन कंपनी ने फिर से अच्छा रिकवर किया और 101 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बन के आया मार्च 2020 में। और 2021 के आंकड़े यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुए हैं। फिर से कह देना चाहता हूँ, छोटी सी कंपनी है। कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? आपने खुद डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा होगा, जैसे जीरोदा में, एंजल ब्रोकिंग में या अपस्टॉक में। तो यहाँ पे ये कंपनी भी खुद इसी तरह की फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, करेंसी फ्यूचर्स, IPO, ये देख लीजिए, स्मार्ट पोर्टफोलियो, कमोडिटी, सोवरन गोल्ड बॉन्ड, इंश्योरेंस, लोन अगेंस्ट शेयर्स, डिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी जो कि आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड कर रही है। और पहली बार इंडिया में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, साउथ इंडिया की ये बेस्ट स्टॉक से रिलेटेड कंपनी है। तो ये देख लीजिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आज की डेट में 63 रुपीज़ पे ये क्लोज हुआ है। 52 वीक का हाई आप लोगों को बताना चाहूँगा 66 रुपीज़ का बनाया है और 52 वीक का लो बनाया है 18 रुपये का। जब ये शेयर मुझे याद है 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब जाके एक वीडियो बना के डाला था। प्रूफ मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि प्रूफ दिखा के कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी होंगे जो हम लोगों ने बताए होंगे और वो नीचे भी चले गए होंगे, तो इसके बारे में कुछ मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। तो जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसा शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म में जाके आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिलीवरी पोजीशन आज की डेट में 59% की डिलीवरी उठाई गई इस छोटे से शेयर में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी करती क्या है ये बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। मात्र 1526 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप लोग देखें ROC तो 14% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के करीब और 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है और हाई डिविडेंड यील्ड है। इन छोटे छोटे शेयर्स में आप इनके देख लीजिए फाइनेंशियल आंकड़े देखिए कितने अट्रैक्टिव हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 62% से ज़्यादा की है और कैश इक्विवेलेंट 729 करोड़ के और डेट 20 करोड़ रुपए का है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर पिछले साल में देखेंगे तो 193% की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को देखने के लिए मिली और डिविडेंड यील्ड तो मैंने बताई दी। तो ये पहली कंपनी है जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी आप लोगों को बताना चाहूँगा। और दूसरी कंपनी के पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में।
तो देख लीजिए 2018 में 461 करोड़ रुपए की सेल्स हुई, 2019 में 485 करोड़ और 2020 में 520 करोड़। यानी कि हर साल अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं। और उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है, 2020 में 24 करोड़ का, उससे पहले 31 करोड़ रुपए का था। लेकिन ये छोटी कंपनियाँ और इतना फ्लक्चुएशन तो इनमें होता ही रहता है। और स्टार मार्क तो मैंने लगा ही दिया था आप लोगों को कि खुद की रिसर्च करके तो ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करें और लखपति बना सकते हैं 5 सालों में, क्योंकि जब छोटी कंपनियों में उछाल आता है ना तो पता ही नहीं चलता और अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते हैं। और ये पोटेंशियल वाली कंपनियां आपको बताई जा रही हैं। यहाँ देख लीजिए कंपनी के अंदर रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। देख लीजिए आप लोग 64 करोड़ रुपीज़ 2019, 2020 82 करोड़ रुपीज़ और 2020 में अगेन सितंबर में 91 करोड़ रुपीज़। बोरोइंग्स देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि पहले एक टाइम में 2017 में 35 करोड़ रुपए की हो गई थी, सितंबर 2020 में मात्र 3 करोड़ रुपए की हैं। पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खास नहीं है क्योंकि छोटी सी कंपनी है, प्रमोटर के पास 66% और पब्लिक के पास 33% की शेयर होल्डिंग है। कंपनी का नाम है कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड। जब ये शेयर मुझे याद है 22 रुपए के आसपास था, 22 या 23 रुपए के आसपास था। इसका कंपैरिजन उस टाइम पे मैंने किया था एक कंपनी के साथ और रुचि सोया, जी हाँ दोस्तों कंपनी का नाम है रुचि सोया, उसके साथ मैंने कंपैरिजन किया था और काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी इस वीडियो पे आए थे और प्यार मिला था आप लोगों को। यहाँ देख लीजिए कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड जो है, कृति क्या है, सोया से सीड एक्सट्रैक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कुकिंग ऑयल अंडर इट्स ओन ब्रांड कृति। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो कुकिंग ऑयल है उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसकी सेलिंग करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, ये कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड का काम है। आज की डेट में अगर आप लोग शेयर को देखेंगे तो 49 रुपीज़ के आसपास ये शेयर बंद हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि 500 रुपए के टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में और छोटे शेयर में रिस्क भी हमेशा बना हुआ रहता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड 5 सालों का प्राइस एक्शन कुछ खास है नहीं, यहाँ पे काफ़ी अप गया था शेयर, लेकिन डाउनफॉल भी यहाँ पे होता है और रिकवरी भी शेयर ने अच्छी खासी फिर से दिखाई है। 244 करोड़ रुपए का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड का यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग थोड़ा सा देखते रहे कृति न्यूट्रिएंट का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस बताया 53 रुपीज़ 52 वीक का हाई, 17 रुपए का 52 वीक का लो, और प्रमोटर के पास 66% रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% का। अब देख लीजिए इतने छोटे से शेयर के ROC और ROE कितने हाई हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इतने अच्छे शेयर्स जहाँ पे ROC और ROE एटलीस्ट 24-25% से ज़्यादा हो। 8 करोड़ रुपये के कैश इन कंपनी पे और डेट 2 करोड़ रुपये का, तो डेट फ्री कंपनी और प्रॉफिट ग्रोथ 43% की यहाँ पे हुई है पिछले साल। तो कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड जबरदस्त शेयर। चलिए तीसरा शेयर बताना चाहूंगा, तीसरा जो शेयर है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है, 4,759 करोड़ रुपए का, 52 वीक का हाई 36, 52 वीक का लो 8 रुपए का है। और यहाँ पे शेयर अगर कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 306 करोड़ के और 861 करोड़ रुपए का डेट है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है और जिन व्यूअर्स को ये पसंद नहीं हो बिल्कुल यहाँ पे स्किप अभी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे ROC तो 20%, ROE 13% का, और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी है 6% के करीब, और प्रमोटर के पास 42%, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत प्लेज भी कंपनी ने कर रखे हैं। और सेल्स देख लेते हैं कंपनी की सेल्स 2019 तक अच्छी खासी तेज बढ़ रही थी, जो कि 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज फिर से हुई हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पॉजिटिव इंडिकेटर है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे। कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया है और प्रॉफिट देख लीजिए आप लोगों के सामने क्लियरली, 2019 में 418 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, जो कि बढ़ के 2020 में हो गया है 493 करोड़ रुपए का, और अगेन यहाँ पे देख लीजिए 550 करोड़ रुपए का 2021 में। और जो कंपनी की सेल्स भी है वो 2020 और 2020 को कंपैरिजन करते हैं 2021 में, तो 2021 में इंक्रीज़ हुई है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। इस छोटी सी कंपनी में प्रमोटर के पास 42% जो प्रमोटर ने खुद अपनी कंपनी में शेयर लिए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और FII के बाद 2% के करीब है, DII के बाद 0.08 नाम मात्र, और मैक्सिमम शेयर पब्लिक के पास है 55% के। कंपनी का नाम है HFCL। जी हाँ दोस्तों, HFCL जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, ये देख लीजिए, HFCL इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर विद एक्टिव इंटरेस्ट स्पैनिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट ऑप्टिक फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल। अब आप लोग देख लीजिए, टेलीकॉम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, OFC केबल बनाती है कंपनी HFCL लिमिटेड। 36 रुपये पे इसका आज लगभग क्लोजिंग हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा 36 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, या 37 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन ओवर दी लॉन्ग रन। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, छोटे शेयर में जितना ऊपर जाने का पोटेंशियल होता है, नीचे गिरने का डर भी उतना ही रहता है। तो 3 शेयर आप लोगों को बताए जो कि स्मॉल कैप हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन वार्निंग स्मॉल कैप में, अगेन वही वार्निंग याद रखिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, तीनों के लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इन्जॉय करें तीनों की सर्विसेज। अगर आप लोग यहाँ पर इंट्राडे करते हैं तो फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किए जाते हैं, और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि शेयर मार्केट के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी और हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।